हाय फ्रेंड्स, मैं हनी अपने यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद कहती हूँ। हमारी आज की वीडियो है टिकटॉक गैर अखलाकी मवाद की शिकायत। पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी की क्या वजह है और कब तक ये पाबंदी रहेगी? वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पाकिस्तान में मवासलात के रेगुलेटरी अदारे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की जानब से इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर अलामिया जारी कर दिया गया है। अदारे ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि माशरे के मुख्तलिफ तबकात की जानब से इस ऐप पर मौजूद मवाद के खिलाफ शिकायत की गई थी। टिकटॉक की जानब से इस पाबंदी पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। इस पाबंदी की अहम वजह कुछ स्कैंडल हैं, जिनमें बड़ा घर ना महंगे कपड़े, मगर टिकटॉक पर रॉयल कराची का टिकटॉक पुलिस स्टेशन सील कर दिया गया। टिकटॉक वीडियो पर PTI के अमले को वार्निंग। हरीम शाह ने वायरल वीडियो किस सरकारी इमारत में बनाई? PTA के मुताबिक अदारे की जानब से टिकटॉक पर शाया किए जाने वाले मवाद और इस हवाले से शिकायत की नौयत को मद्देनजर रखते हुए एप्लीकेशन को हतमी नोटिस जारी किया गया। अदारे का मौकफ है कि इसने टिकटॉक को जवाब देने और गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को मुतहरक अंदाज में रोकने के लिए एक मौसर तरीका का वाजिया करने की खातर काफ़ी वक्त दिया था। ताहम ये ऐप इन हदायत पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर सकी। चुनाचा हकाम के मुताबिक मुल्क में पाबंदी आयद कर दी गई। इस हवाले से हकाम का कहना है कि टिकटॉक को बता दिया गया है कि PTA मुज़ाकरात और अपने फैसले पर नज़रसानी के लिए तैयार रहे। ताहम इसके लिए टिकटॉक को गैर कानूनी मवाद के खिलाफ एक इत्मीनान बख्श तरीका का वाजिया करना होगा। वाजिया रहे कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में महाना 2 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। PTA की जानब से रवान साल 20 जुलाई को हीगो को भी गैर अखलाकी फहश और गैर मजहब मवाद की वजह से पाबंदी आयद की गई थी और कहा गया था टिकटॉक को भी हतमी वार्निंग जारी कर दी गई है। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।